जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा फर्जी, तो हम अपने आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सब कुछ फर्जी है। ये केवल इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए किया, क्योंकि आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि स्थिति क्या है प्रदेश की। आप देखिए, देश के तीन बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, दो लड़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह और योगी जी। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, बनारस के आसपास की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। जौनपुर हम जीत रहे, गाजीपुर हम जीत रहे, चंदौली हम जीत रहे, आजमगढ़ हम जीत रहे, मऊ हम जीत रहे, एक सीट नहीं जिता पा रहे। लखनऊ के आसपास बाराबंकी हम जीत रहे, मोहनलालगंज हम जीत रहे, हरदोई हम जीत रहे, उन्नाव हम जीत रहे, सीतापुर हम जीत रहे। कौन सी सीट हैं जो नेताओं के आसपास भी प्रभाव वाली जीत पा रहे, एक भी नहीं जीत रहे। गोरखपुर बाबा जी मुख्यमंत्री के, गोरखपुर से लगी हुई जितनी सीटें गोरखपुर की जिले की ही बांसगांव, गोरखपुर जिले से कटा महाराजगंज है, सीट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, संत कबीर नगर है, वहाँ आगे चले जाइए डुमरियागंज है, फिर बस्ती चले जाइए सब बाबा का अधिकार क्षेत्र, उन सब में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। फिर ये जो एग्जिट पोल करने वाले हैं कैसी मनगढ़ंत बातें करते हैं, कोई यहाँ तक कि मैंने तो देखा कि उसमें देखा कि सर निरहुआ का पलड़ा भारी। हम जानते हैं पांचों विधानसभा में आजमगढ़ में कम से कम 40,000 वोट से हार रहा निरहुआ, 2,00,000 वोट से। जब 2,00,000 वोट से हारने वाला का भी पलड़ा भारी आप दिखाओगे तो हम तो आप पीसी करके बताना ही पड़ेगा कितना फ्रॉड सब हो रहा है, लोगों की अंतरात्मा खत्म हो गई और सब प्रशासन पर दबाव डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन आमतौर पर निष्पक्ष ही रहता है, और हमें उम्मीद है फिरोजाबाद में भी और आसपास के जिलों में प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हो। मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाती हुई तीसरी बार दिख रहा है तमाम एग्जिट पोल। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है।